हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये बात तो आपने सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। ठीक ऐसा ही कुछ जानवरों के साथ भी होता है, क्योंकि आपको प्रकृति में कई सारे अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ प्यारे होते हैं तो कुछ खूंखार। लेकिन इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो चीजें गड़बड़ होने लगती है। और हमारी आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जहां इन जानवरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। वो दिखने में तो बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन इनके पास जाने की गलती इंसान की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। और ये होगा कैसे, इस चीज को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इनलैंड ताइपान। दोस्तों कभी कभी नेचर की एडेप्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, क्योंकि इनलैंड ताइपान जब केवल चूहों को ही खाता है तो इसके अंदर इतना भयानक जहर क्यों है, जिसकी एक बूंद ही 100 लोगों को मारने के लिए काफी है। और इसकी इसी खतरनाक प्रवृत्ति के कारण इसका नाम द फायर स्नेक है। दोस्तों ये सांप दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक सांपों में गिना जाता है। वहीं अगर इसने किसी को काट लिया तो उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 40 से 45 मिनट होते हैं, और अगर इतने समय में इलाज ना करवाया गया तो इंसान की मौत आसानी से हो सकती है। ऊपर से सबसे ज्यादा खतरनाक चीज तो ये है, ये सांप अपने शिकार को एक बार नहीं बल्कि कई बार काटता है, ताकि उसके बचने की कोई भी गुंजाइश ना बच सके। वैसे तो ये इंसानों की दुनिया से दूरी रहते हैं, लेकिन अगर आप इनकी दुनिया में जाएंगे तो इनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। स्लो लॉरेस। दोस्तों जब कोई खतरनाक दिखने वाला जानवर जान को खतरा पहुंचाने की कोशिश करे तो समझ में आता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब कोई क्यूट सा दिखने वाला जानवर जान के लिए घातक साबित हो जाए। अब जैसे कि आप स्लो लॉरेस को देख लीजिए, क्योंकि इनकी चॉकलेट ब्राउन आंखें और छोटा सा शरीर आपको इनकी तरफ आकर्षित करता है। पर यही आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ये जीव बहुत ही तेज काटता है, जिसके कारण आपका दम घुटने लगता है, यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इनके काटने से जहर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी भी एंगल से भले ही जहरीले ना दिखें, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये दांतों से काटकर किसी को भी मारने में सक्षम है। लीगली तो इन्हें कोई भी अपना पेट नहीं बना सकता, लेकिन इलीगली तरीके से ब्लैक मार्केट में इनका लेन देन बहुत होता है। बॉक्स जेलीफिश। हर तरह की जेलीफिश खतरनाक होते हैं, लेकिन हम आपको जिन ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश के बारे में बताने जा रहे हैं उनके खतरे का लेवल ही अलग है। इनके सर का हिस्सा बैल की तरह होता है और इनमें 15 टेंटिकल्स भी होते हैं, जिनकी लंबाई 15 फीट तक जा सकती है। उनके अंदर काफी भारी मात्रा में जहर मौजूद होता है, जो प्रेडेटर को तुरंत मार गिराने के लिए काफी है। ऐसे में अगर कोई इंसान इनके करीब जाता है तो ये उनको मारने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते। इनका जहर तुरंत स्किन तक पहुँच कर धीरे धीरे कार्डियक अटैक तक का सफर तय करता है। ऐसे में इनके काटने के बाद इंसान थोड़ी देर तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी कब मौत का रूप ले ले उसे खुद भी नहीं पता चलता। पिराना। दोस्तों पिराना पर बनी फिल्म आपने देखी होगी या नहीं देखी है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस जानवर को देखकर ही आपको खतरे का अंदाजा हो गया होगा। ये कितना ज्यादा खतरनाक जीव है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी स्पीड, जहां ये इतनी तेजी से तैरते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब ये आ गई। और अगर इनके दांतों को देखा जाए तो इतने शार्प है कि किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। और अगर हम अमेरिकन एलिगेटर की बात करें, जो कि काफी खतरनाक होते हैं, दोस्तों पिराना का काटा हुआ अमेरिकन एलिगेटर से भी 3 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ऐसे में आप खुद ही समझ जाइए कि ये जीव कितने ज्यादा खतरनाक है। ऊपर से इनकी इंसानों को काटने की जो रेपुटेशन है वो इतनी खराब है कि हर कोई इस जानवर से 4 गोज की दूरी बनाए रखने में ही अपनी समझदारी समझता है। दोस्तों अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैनो जेलीफिश। अगर हम इस मैन ओ जेलीफिश की बात करें तो ये किसी एलियन से कम नहीं लगती है। इनके टेंटिकल्स 90 फीट तक लंबे होते हैं और ऐसे में ये और ज्यादा खतरनाक लगती हैं। और ये सिर्फ देखने में खतरनाक नहीं है दोस्तों, बल्कि असल मायनों में भी ये बहुत ज्यादा घातक होती हैं, जहां ये अपने जहर से किसी को भी मार सकती है, फिर चाहे वो बड़े से बड़ा जीव ही क्यों ना हो। और जब ये जेलीफिश काटती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्किन पूरी तरह से जलनी शुरू हो जाती है और इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद उनका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। और ये जहर बहुत तेजी से इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार रहता है। इसलिए अगर आपको कहीं भी इतनी खतरनाक जेलीफिश दिख जाए तो भूल से भी उसके पास मत जाइएगा। बुल शार्क। अगर हम अडेप्शन की बात करें तो इस चीज में बुल शार्क एक अलग ही तरह का जीव है, जो कहीं भी किसी भी कंडीशन में रहने के लिए सक्षम है। जहाँ ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम कॉन्टिनेंट में रहते हैं, ऐसे में इनसे खतरा भी बहुत ज्यादा है। वैसे तो बुल शार्क ज्यादातर स्मॉल व्हेल, सी टर्टल, फिश के साथ साथ दूसरी शार्क को भी खाने में सक्षम है। और हम इंसानों को कैसे भूल सकते हैं, उन्हें भी तो ये मौत के घाट उतारने में ज्यादा समय नहीं लगाते। बुल शार्क बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल में मौजूद होता है।
हालांकि ये हर तरह के पानी में रह सकती हैं, लेकिन अपना शिकार ज्यादातर फ्रेश वाटर में ही करती हैं। इसीलिए बुल शार्क ज्यादातर नदियों में ही पाई जाती हैं, और इसी वजह से अगर आप नदी में तैरने या फिर मजे करने के लिए जाएं, तो संभल कर, क्योंकि हो सकता है कि बुल शार्क आपका इंतजार कर रही हो। फनल वेब स्पाइडर। यूं तो इस दुनिया में बहुत से अलग अलग तरह के खतरनाक जानवर मौजूद हैं, लेकिन अब आप जिस स्पाइडर को देखने वाले हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनके शरीर में आयरन चैनल इनहिबिटर मौजूद होता है, जो इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसी वजह से इंसान का नर्वस सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। वहीं अगर हम इनके अटैक का तरीका बताएं तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पाइडर बहुत ही तेजी से काटता है, जिसके बाद बहुत ज्यादा दर्द होता है और फिर इसका जहर शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। पर दोस्तों, इस स्पाइडर की सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो है वो ये है कि ये आपको ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर सिविलाइज्ड एरिया में देखने को मिल जाएगा, जहां ये कई बार लोगों के घरों के अंदर भी मिल जाता है। ऐसे में वहां के लोग बिल्कुल भी इस स्पाइडर से सुरक्षित नहीं है, खास करके सिडनी में रहने वाले लोग। ऊपर से ये 30 घंटों तक आराम से अंडर वाटर भी सर्वाइव कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। पोलर बेयर। अब जब हम क्यूट और खतरनाक जानवरों का कॉम्बिनेशन मिलाकर बात कर रहे हैं, तो इसमें पोलर बेयर का नाम ना आए ऐसा भला कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पोलर बेयर दिखने में तो बहुत ही क्यूट लगते हैं, लेकिन इनके पास जाते ही इनकी सारी क्यूटनेस खत्म हो जाती है, जहाँ ये बिल्कुल वाइल्ड हो जाते हैं, और इस समय ये दुनिया के सबसे बड़े जमीनी मांसाहारी जानवर हैं। वहीं इनकी हाइट 12 फीट तक हो सकती है, जहां ये किसी बुरे सपने के बराबर हैं, क्योंकि इनके जबड़े इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि अगर एक बार ये अपने शिकार को अपने चंगुल में ले लें तो उसे छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और ये बड़ी खुशी खुशी किसी भी जानवर को खाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, फिर चाहे वो बड़े से बड़े मस्कॉस या छोटे से छोटे क्रैब। वैसे इनके बारे में सबसे ज्यादा रोचक चीज ये है कि इनकी पूरी स्किन ब्लॉक होती है, लेकिन स्किन के ऊपरी इनके जो बाल है ना, वो लाइटनिंग में पूरी तरह से व्हाइट दिखाई देते हैं। पर अब तो लगभग 25,000 पोलर बेयर ही इस दुनिया में मौजूद हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दोस्तों, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल हैं, और जब बात मगरमच्छ की आती है तो खतरा उसके साथ अपने आप ही चला आता है, क्योंकि उनके जबड़े इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि उनसे बच पाना नामुमकिन है। अगर हम इनके वजन की बात करें तो ये 2400 पाउंड के होते हैं, और इनकी लेंथ 20 फीट तक होती है, यानी कि आप इन्हें लिविंग डायनासोर भी कह सकते हैं, जहां ये पिछले 240 मिलियन सालों से बिल्कुल भी नहीं बदले और ठीक ऐसे ही हैं। हालांकि अब इनकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इस दुनिया में मौजूद हैं और इन्हें जीवित रखने की कोशिश चल रही है। वैसे दोस्तों, आप सोचते तो होंगे कि इतने खतरनाक जानवरों को लोग जीवित क्यों रखना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि हर तरह के जानवर अपने आप में अनोखे और प्रकृति के लिए सही हैं, इसी वजह से लाइफ साइकिल चलती रहती है और यही सबकी कोशिश होती है। ग्रिजली बेयर। जब कभी भी हम ग्रिजली बेयर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा भालू आता है जो तैरती हुई मछली तक को पकड़ने में सक्षम है। पर दोस्तों, ये भूलना किसी भी तरह की बेवकूफी से कम नहीं है कि ये जानवर इंसानों को भी अपना शिकार बना सकते हैं, पर ये ज्यादातर शिकार सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी तरह के बड़े जीव इनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसी बचाव में ये इंसानों तक को मारने से पीछे नहीं हटते, और यही वजह है कि इंसान इनका शिकार करने से डरते हैं, जिसकी वजह से भारी मात्रा में इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। वैसे अगर आप ऐसे देश में रहते हैं जहां पर ग्रिजली बेयर बहुत ज्यादा हैं, तो आप अपने साथ पेपर स्प्रे रख सकते हैं, इससे आपको भागने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखकर भेजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।